इंदौर पहुंचे लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, राहुल गांधी और कांग्रेस के पास अब कोई काम नहीं बचा है, इसलिए वो यात्रा निकाल रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि मुझे पता चला था कि राहुल गांधी खाट पंचायत करने वाले हैं। अच्छा है, वो ऐसा करें, हम भी यही चाहते हैं। ऐसा करके वो कांग्रेस की खाटी खड़ी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में राहुल की न्याय यात्रा का कोई असर होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा, अब की बार कांग्रेस छिंदवाड़ा की सीट भी हार रही है। राहुल गांधी जी के पास में या कांग्रेस के पास में अब काम क्या बचा है? यदि वो यात्रा ना निकालें तो कई तरह के सवाल खड़े होंगे, वो टिकटों को लेकर हों या अन्य दलों के साथ सामंजस्य को लेकर हैं। तो एक तरह से कांग्रेस राहुल जी को इंगेज कर देती है ताकि वो इंगेज रहें तो कांग्रेस की परेशानियां ना बढ़ें। अब जैसे उन्होंने अभी मुझे पता चला था कि खाट पंचायत करने वाले हैं, तो मैंने कहा कि अच्छा है, हम भी चाहते हैं वो करें। ऐसा करके वो कांग्रेस की खाट भी खड़ी करेंगे। लेकिन कांग्रेस के नेताओं को बाद में ध्यान में आ गया कि ये गलती होने वाली है, और इसलिए खड़गे जी को आगे करके उन्होंने फिलहाल उसको बढ़ा दिया है। तो राहुल जी की न्याय यात्रा हो या पहले की यात्राएं हैं, उन सब का मध्य प्रदेश पर या देश में किसी भी तरह का कोई असर होने वाला नहीं है।